अगर आपने YouTube चैनल बनाने का फैसला किया है तो बहुत सही किया है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के 26 करोड़ एक्टिव यूजर्स है हर महीने, और YouTube पर हर महीने 600 करोड़ आवर्स का नया कंटेंट अपलोड होता है वर्ल्ड वाइड। 2005 में 3 लोगों ने मिलकर YouTube को स्टार्ट किया। इनके नाम थे चैट होंगी, स्टीव चेन और जावेद करीम। एक अंग्रेजी कहावत है, नॉलेज इज द पावर। अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहो तो जानकारी ही ताकत है। क्या कोई YouTube पर एक वीडियो अपलोड करके 2 या 3 लाख रुपए कमा सकता है? बिल्कुल सही है, कमा सकता है। इस फोटो या वीडियो पर ध्यान से देखिए। YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया कीवर्ड है हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट करें, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ सकता है इंस्टाग्राम। इस 4 मिनट की वीडियो को 1 महीने में 70 लाख मरतबा सर्च किया गया है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि वीडियोस को जितनी मरतबा देखा गया है उस हिसाब से कितनी इनकम होती है वीडियोस को देखने पर क्रिएटर्स की, तो आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप इस वीडियोस की व्यूज देख रहे हो, 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज बता रहा है। अगर 2 मिलियन का आप 10% भी अगर लेते हो तो 2 लाख रुपये इनकम होती है इस क्रिएटर की जिसने इस वीडियो को अपलोड किया। इस क्रिएटर का मकसद ये था कि लोगों को हेल्प मिले, जो नॉलेज उसके पास है उसको ट्रांसफॉर्म की यूजर्स के लिए, वो इस नॉलेज का पता लगे और उस नॉलेज के रिटर्न में उसे बहुत सारा अर्निंग मिला YouTube की तरफ से। YouTube ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसकी वजह से क्रिएटर्स को फायदा होता है और लोगों को जो नॉलेज लोगों के पास नहीं होता है उसके व्यूअर्स के पास, तो वो नॉलेज व्यूअर्स को मिलता है। ये एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको एक आर्टिकल दिया जाए 2 पेज का और एक वीडियो दिया जाए 5 मिनट का, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को सेलेक्ट करोगे एज कम्पेयर टू इस आर्टिकल को पढ़ने के। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने जो ट्रेलर अभी छोटा सा देखा है उसकी पूरी पिक्चर अभी देखना बाकी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको उससे पहले YouTube को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पर आप चैनल बनाने जा रहे हैं, आपको YouTube को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने YouTube चैनल बनाने का फैसला किया है तो बहुत सही किया है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के 26 करोड़ एक्टिव यूजर्स है हर महीने, और YouTube पर हर महीने 600 करोड़ आवर्स का नया कंटेंट अपलोड होता है वर्ल्ड वाइड। गूगल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में इंडिया में 65 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होने वाले हैं और 50 करोड़ यूजर्स उसमें से वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के लिए इंटरनेट का यूज करेंगे। तो वीडियो इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। 2005 में 3 लोगों ने मिलकर YouTube को स्टार्ट किया। इनके नाम थे चैट होंगी, स्टीव चेन और जावेद करीम। जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को अपना पहला वीडियो YouTube पर अपलोड किया जिसका टाइटल था मी एड्स। इस वीडियो के 88 मिलियन व्यूज है। 2005 से 2006 के 1 साल के ड्यूरेशन में गूगल ने YouTube को खरीदने का फैसला कर लिया। इसलिए किया क्योंकि गूगल को पता चल गया था कि YouTube का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़ने वाला है और ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, तो गूगल ने फैसला करके YouTube को एक्वायर कर लिया। 2005 से 2020 तक अगर आप देखेंगे तो 15 साल में YouTube ने सारी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया और ये एक सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म से बढ़कर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, बिजनेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम से फेमस हो गया। YouTube इस वक्त दुनिया का नंबर 2 का सर्च इंजन है जो गूगल के बाद आता है, और अगर वीडियो प्लेटफॉर्म में अगर आप देखिए वीडियो सर्चेस में तो YouTube नंबर 1 पर आता है। और अगर आप YouTube को कंपेयर करें बिंग और याहू दोनों के कम्बाइंड सर्चेस से, तब भी YouTube के सर्चेस दोनों के कम्बाइंड सर्चेस से बहुत ज्यादा है। तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप अपना YouTube चैनल जितना जल्दी बना ले उतना अच्छा है, क्योंकि आज हर यूजर अपनी प्रॉब्लम और डिमांड लेकर गूगल और यूट्यूब के पास ही आता है। अब आपके पास एक एडवांटेज ये भी है कि आपके पास 21 दिनों का टाइम है जिसमें आप आपके बिजनेस को डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हो या आपके बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर सकते हो, यूट्यूब पर आपके बिजनेस को ऑनबोर्ड कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे लास्ट वीडियो देख कर ये क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 21 दिनों को अपने बिजनेस को अपग्रेड करें, डिजिटलाइज करें और कुछ नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के। उन दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया मुझे, हम YouTube पर किस चैनल पर या किस टॉपिक पर हमारा चैनल बनाए या किस टॉपिक पर हम वीडियोज अपलोड करें, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत है YouTube पर। तीसरा क्वेश्चन ये था कि भाई व्यूज कहाँ से लाए, सब्सक्राइबर कहाँ से लाए, और चौथा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट कैसे। तो मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो था कि भाई YouTube पर हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाए या किस कैटेगरी में हम वीडियो बनाए, तो उसके लिए आपको कोई कैटेगरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप उसी कैटेगरी के वीडियोस अपलोड करें या उसी
बिजनेस का नॉलेज लोगों को शेयर करें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप जो बिजनेस में परफेक्ट हो, आप यूट्यूब पर उसी बिजनेस को, उसी कैटेगरी को, उसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई सब्सक्राइबर कहाँ से लाए, तो सब्सक्राइबर आपके घर में है, आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, या 1000 नहीं होंगे तो एटलीस्ट 500 होंगे, आपके भाई के फोन में 500 होंगे, आपकी वाइफ या सिस्टर या मदर के फोन में 500 कॉन्टैक्ट होंगे, एक फैमिली में एटलीस्ट आपके 2000 यूनिक कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे आपकी फैमिली में। आपकी जो पहली वीडियो है वो आपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर, और आपके फैमिली मेंबर्स को बोले वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके वीडियो शेयर करें। इस तरीके से आपके 2000 या 3000 सब्सक्राइबर आपको आपकी फैमिली से ही मिल जाएंगे, और आपके फ्रेंड्स जब उसको आगे शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक चैनल बिल्ड होता जाएगा जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर को लाने में हेल्प करेगा। तो ये एक सिंपल हो गया आपके दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि आप सब्सक्राइबर कहाँ से लाएंगे, सब्सक्राइबर आपके घर में। तीसरा क्वेश्चन था कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत है, तो कॉम्पिटिशन आपके लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर आप लोकल मार्केट में, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस है, आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है जहाँ पर आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, वहाँ पर एक दिन में 100 कस्टमर आते होंगे, 200 कस्टमर आते होंगे, 500 आते होंगे। यूट्यूब पर एक दिन में 1 करोड़ कस्टमर्स, 1 करोड़ सब्सक्राइबर आते हैं। उन 1 करोड़ में से अगर आपको 1% भी मिल जाएगा तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर को आप कैप्चर कर सकते हो, और ये पॉसिबल है अगर आप कंटिन्यूटी रखो आपके नॉलेज शेयरिंग में, और आप जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो उसमें अगर आप कंटिन्यू रखो तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं। तो कंपटीशन, अगर आप बात करोगे कंपटीशन की, तो लोकल मार्केट का कंपटीशन यूट्यूब के कंपटीशन से बहुत ज्यादा है, यूट्यूब का कंपटीशन बहुत कम। अब चौथा क्वेश्चन था कि भी प्रॉफिट कैसे होगा यूट्यूब पर, अगर हम वीडियोस डालेंगे तो वीडियोस का तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हमको प्रॉफिट पैसे कैसे मिलेंगे यूट्यूब से। तो देखिए, यूट्यूब पर जो प्रॉफिट होता है वो आपके वीडियो के पहले जो एड डिस्प्ले होती है उससे होता है। आप एड्स उसी वक्त डिस्प्ले होंगी जब आपके पास एक अच्छा वॉल्यूम रहेगा सब्सक्राइबर का, तभी एड्स आपके चैनल पर डिस्प्ले होंगी, तभी आप मोनेटाइज कर पाओगे। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है या आपका एक शॉप है, वापस वही एग्जांपल दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट का एग्जांपल हम लेते हैं। रेस्टोरेंट में आपने भाई एक डिश रेडी की है, आपने दाल तड़के का आइटम बनाया है, बट एक प्लेट को आप एक ही कस्टमर को दे सकते हो। दाल तड़का फॉर एग्जाम्पल आपको बनता है 50 रुपये में, आपने कस्टमर को सेल किया है 100 रुपये, तो आपको 50 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है एक दाल तड़के। लेकिन अगर वही दाल तड़के की रेसिपी आप अगर ऑनलाइन आपके यूजर्स को बताते हो, 1 लाख यूजर आपको उस रेसिपी देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे या उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। अगर आप 1 लाख यूजर्स का अगर आप 10% यूज करते हो तो आपको 10,000 रुपये एक दाल तड़का देखते हैं। आप एक आइटम जो एक कंटेंट जब आप वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पर, तो वो आपको मल्टीपल टाइम्स इनकम देता है एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट और डिजिटल मार्केट का ये डिफरेंस। तो आपको प्रॉफिट धीरे धीरे होगा। पहले दिन आप पेड़ लगाओगे तो पहले दिन आपको फूड देना शुरू नहीं कर देता, पहले ही दिन छाया देना शुरू नहीं कर देता। और यूट्यूब चैनल का ये स्ट्रैटेजी है कि वो नए क्रिएटर्स को, नए कंटेंट डेवलपर्स को जान देता है, आपके वीडियोस को प्रमोट करता है। आपने अगर किसी यूजर को एक बार आपकी वीडियो शेयर की है, किसी यूजर ने एक बार आपकी वीडियो देखी है, तो वो अगली वीडियो आपकी उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है क्योंकि सेम क्रिएटर से कंटेंट क्रिएटर आई है। आपकी वीडियो को बार बार उसकी लिस्ट में लाता रहता है ताकि आपकी वीडियो देखे और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उसे कुछ नॉलेज मिले आपकी। तो इस तरीके से YouTube नए क्रिएटर्स को प्रमोट करते रहता है हमेशा, और ये उसी का फॉर्मूला है। अगर नए क्रिएटर को प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई नए क्रिएटर्स आएंगे नहीं उनके चैनल पे, और जब नया कंटेंट और नए क्रिएटर्स नहीं रहेंगे तो ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे उस चैनल से। अब मैं आपको 10 ऐसे यूनिक टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसका YouTube पर आप चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जिन टॉपिक्स पर आप चैनल बनाकर उसके वीडियोस टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड कर सकते हो। मतलब मैं चैनल का थीम बता रहा हूँ आपको, आप उससे रिलेटेड आपके चैनल्स पर डेटा अपलोड कर सकते हो, कंटेंट अपलोड कर सकते हो। बट इससे पहले आपको ये समझना है कि आपको इस जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है या अगर ये आपका पहले से बिजनेस है तभी आप इस पर वीडियोज अपलोड करें, या फिर आप पहले इस चीज़ का नॉलेज ले लें, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इस चीज़ का किसी टॉपिक के बारे में, या कोई टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो पहले आप उस टॉपिक के बारे में उस ग्राउंड का पूरा नॉलेज ले लें, उसके बाद आप तो पहले हम उन 5 चैनल 5 कैटेगरीज की बात करेंगे जिन कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन बहुत कम, मतलब चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने आपके लिए कुछ डेटा एनालाइज किया है।
यहाँ पर आप देख रहे हो 100 out of 34 ऐसे कुछ बता रहा है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा आपको आउट ऑफ वैल्यू दिख रहा है, मतलब 100 out of 50 अगर आपको दिख रहा है, मतलब इस कैटेगरी में आपके 50% चांसेस है कि आपका जो चैनल है या आपकी जो वीडियोस है वो टॉप लेवल पर रैंक करेंगी या यूजर्स को ज्यादा दिखाई जाएंगी, मतलब ये कैटेगरी आपके लिए बहुत बेहतर है। ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है जो यूट्यूब को रिसर्च कर बताता है कि इस टॉपिक पर कितने ज्यादा सर्चेस है और कितने ज्यादा वीडियोज अवेलेबल है। अगर ये वॉल्यूम कम है जैसे कि 100 out of 10 बता रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रेड में बताएगा, मतलब ये आपको सजेशन दे रहा है कि इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा वीडियोस है तो आप इस कैटेगरी में आपके रैंक, आपका वीडियो या आपके चैनल के रैंक करने के चांसेस कम है, आपका वीडियो बहुत नीचे जाता जाएगा। तो आपको मैं पहले वो कैटेगरीज बता रहा हूँ जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और वो कैटेगरीज में आपके वीडियोज जल्दी टॉप पर आने लग जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो कैटेगरी है इससे रिलेटेड कीवर्ड्स या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितने बार सर्च किए गए, मतलब इससे रिलेटेड कितनी बार यूट्यूब पर एक महीने में सर्च किया गया, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसे सर्च वॉल्यूम कहते हैं। अगर कोई चीज यूट्यूब पर एक कोई चीज है जैसे कि कोई रेड कलर का पेन अगर यूट्यूब पर सर्च किया जाता है, रेड कलर पेन अगर वो एक महीने में 1,000,000 बार सर्च किया गया तो यहाँ पर 1,000,000 उसकी वॉल्यूम वो बताता है एक महीने में कितनी बार सर्च किया गया। तो इस सर्च वॉल्यूम से पता चलता है कि आपका वीडियो आने के सर्च में आने के कितने चांसेस है। और ये जो आप सर्च देख रहे हो ये सर्च शफल होता रहता है, यूट्यूब का जो सर्च है ये शफल होता रहता है एरिया के हिसाब से। अगर आपके आपकी वीडियो को फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ज्यादा देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अगर सर्च करेंगे तो आपका वीडियो ऊपर आएगा। अगर आपका वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी जो रीजन में हिंदी बोली जाती है वो रीजन में आपका वीडियो टॉप पर आएगा, मतलब जितना वो मैक्सिमम आ सकता है। ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिसके वीडियो शफल होते रहते हैं, एक ही वीडियो हमेशा टॉप पर नहीं होता। तो आप ये मत समझ लेंगे कि जो जिसके ज्यादा व्यूज है वो ज्यादा टॉप पर आएंगे, कभी कभी कम व्यूज वाले वीडियोस भी टॉप पर आते हैं। उसे आप अच्छे से अगर लिस्ट करोगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ लिस्ट करोगे और अगर आपके वीडियो को ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत सारे डिवाइसेस पर देखा जा रहा है, तो आपका वीडियो भी अच्छे सर्च लेवल पर आएगा। तो आप इससे कभी भी यूट्यूब पर ये मत समझना कि भाई हमारा वीडियो टॉप पर नहीं आएगा। ऐसा रहता तो नए क्रिएटर्स यूट्यूब पर आते ही नहीं। बहुत से नए क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने वीडियोस को अच्छे लेवल पर लाया है, स्टडी करके, रिसर्च करके और डेवलपमेंट किया है अपने प्रोसेस में काम करने की वजह से अलग अलग तरीकों से। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ जो टॉपिक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपको अच्छी नॉलेज है प्रॉपर्टी के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में, जैसे कि फ्लैट हो गया या प्लॉट हो गया या फिर कोई हाउसेस हो गए, जो भी प्रॉपर्टीज ली जाती है और बेची जाती है उसके बारे में अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप इस चैनल, इस कैटेगरी में अपना चैनल बना सकते हो। आज ही बना लीजिए। इस कैटेगरी का जो रेटिंग है आप यहाँ पर देख रहे हो 67% का रेटिंग है, मतलब 67% चांसेस है कि आपका वीडियो रैंक करेगा। अगर आप आपके एरिया में बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका जो भी सिटी है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, औरंगाबाद, या आप स्टेट लेवल पर बनाना चाहते हो, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डालोगे तो उसमें आप मेंशन कीजिए आपका स्टेट, सिटी या जो भी एरिया है आप उसे मेंशन कीजिए। एक बार आपका वीडियो बन जाएगा आप बार बार उसको शेयर कर सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक परमानेंट वर्क हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार वीडियो बना दिया और उसे अपलोड कर दिया और वीडियो बार बार आप यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 घंटा या 2 घंटा उन्हें लगता है किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करने में, और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मीटिंग होती है। तो अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार क्लाइंट को बताते हो आप उसका वीडियो बना के रख लें और वो वीडियो की लिंक आप शेयर कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए और आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंट भी आ जाएगा। अगर कोई नया यूजर सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी सिटी में, आपके एरिया में, तो वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे बिजनेस डील करेंगे। तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, आप इसके बारे में सोचिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर अब तक हर महीने 1,200,000 सर्चेस होते हैं, मतलब मान लो आप के भाई 1,200,000 मतलब महीने के 1,00,000 सर्चेस यूट्यूब पर होते हैं, तो अब आप कैलकुलेट कर लो आप जिस सिटी में, जिस एरिया में रहते हो वहां पर कितने होते होंगे, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। 1,200,000 बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम होता है, तो ये छोटा नहीं है, इस पर आप अच्छे से काम कर सकते हो। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जो मैं आज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है ओल्ड कार से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। जो पुरानी फोर व्हीलर कार होती है या पुरानी बाइक्स होती है उसके बारे में अगर आपको अच्छा नॉलेज है या वो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप
इस पर अपने वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कीजिए अपने बिजनेस के नाम के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो आपके कस्टमर्स के लिए अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, पुरानी गाड़ी खरीदते टाइम पर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी का वैल्यूएशन कैसे निकालना चाहिए, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए या आपके सब्सक्राइबर के लिए शेयर कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 44% इसका सर्च रिजल्ट है, मतलब आपके वीडियो के रैंक होने के चांसेस 44% है अगर आप इस कैटेगरी में अपना चैनल बनाते हो। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है, मतलब एक महीने में 70,000 से 1.5 करोड़ के आसपास इसके सर्च होते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप ये वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप इसके ऊपर ये टॉपिक के ऊपर भी आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कुकिंग से रिलेटेड। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आपको कुकिंग का ये पैशनेट हो या आपको आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो आप थोड़ा सा टाइम आपके बिजनेस से निकाल कर आप एक घंटे का टाइम या दो घंटे का टाइम आप कोई हफ्ते में एक या दो वीडियोज आपके अपलोड करें कुकिंग करते हुए कि भाई घर पे केक कैसे बनाए, घर पे मोमोज कैसे बनाए, इनके अगर आप सर्च वॉल्यूम देखना चाहोगे तो इसके सर्च वॉल्यूम नियर अबाउट 50 लाख से अबव है। इसके सर्च वॉल्यूम अगर आप देखना चाहोगे तो 60 लाख से 2 करोड़ के आसपास महीने के सर्च है कि घर पर केक कैसे बनाया जाए, घर पर मोमोज कैसे बनाए जाए। आजकल सभी लोगों को खाने पीने का शौक है और जो फैंसी फूड या जंक फूड जो मार्केट में चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि घर पर बनाए, क्योंकि मार्केट के फूड्स बहुत से लोग अवॉइड करना चाहते हैं और आज की सिचुएशन में तो बहुत से लोग बाहर के फूड्स अवॉइड कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके नॉलेज को और आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और उसका एडवांटेज ले सकते हो कि भाई आपको ये फूड कैसे बनाना है, ये डिश कैसे बनाना है, आप उसकी कोई एक वीडियो उस फूड को बनाते हो, उसकी वीडियो और उसको टेस्ट करवाते हो, उसकी वीडियो आप उसका टेस्ट बताते हो, आप उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। इस कैटेगरी का जो रैंकिंग है नियर अबाउट 41% है, अगर आप इस कैटेगरी में 41% चांसेस है आप लिस्ट में आएंगे, अच्छी लाइन में आएंगे, तो ये एक अच्छा कैटेगरी है आप लोगों के लिए, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है इस पर आप वीडियोस बना सकते हो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इस पर आपको कोई घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहकर ये काम कर सकते हो, उसके लिए कोई एडिशनल आपको कोई एडिशनल बिजनेस की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तब भी आप ये चीज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये टॉपिक है पेरेंटिंग, इसके 2 करोड़ सर्चेस हैं एक महीने में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने बच्चों से, कैसे अच्छे से बिहेव करें बच्चों का, हौसला कैसे बढ़ाए बच्चों के साथ, किस तरीके से फ्रेंडली बिहेव करें, ये सारे इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पर दे सकते हो। आप कैसे आपके बच्चों से बिहेव करते हो, आप कैसे आपके बच्चों को समझाते हो, इस तरह की अच्छी पेरेंटिंग टिप्स आप लोगों को दे सकते हो जिसको नहीं पता है। जो लोग पूछते हैं कि भाई अच्छी पेरेंटिंग कैसी करना चाहिए, अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप आपके नॉलेज को शेयर करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 करोड़ सर्चेस है एक महीने के, और इसका जो सर्च का जो परसेंटेज है जो हम ये देख रहे हैं, रैंकिंग जो देख रहे हैं, मतलब इस चैनल का पर अगर आप वीडियो बनाते हो तो 37% चांसेस है आपके चैनल के रैंक करने के। जो कम कंपटीशन है, जिस चैनलों में कम कंपटीशन है, अगर 30% तक भी अगर आपको कंपटीशन मिलता है तो वो कंपटीशन बहुत कम माना जाता है यूट्यूब में। बहुत से लोग 10% और 12% पर भी वीडियोस बनाते हैं, वो एकदम हाई लेवल का कंपटीशन बना है, लेकिन यहाँ पर 30% के ऊपर ही आप चल रहे हो, 37% का आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है कि आपके वीडियोस रैंक करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर आप अच्छे वीडियोस बना के उसके अच्छा नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद का जो 5वां टॉपिक है हमारा फूड व्लॉगिंग के ऊपर। फूड व्लॉगिंग मोस्टली आजकल सबको पता है, इसमें भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप ये काम इजीली कर सकते हो। आपको अगर खाने पीने का शौक है और आपको आपकी सिटी में या आपके स्टेट में या आपको पूरे इंडिया में कहाँ पे क्या अच्छा बनता है खाने के आइटम्स आपको पता है, तो आप उस स्पॉट पर जाइए, खाते हुए आपका वीडियो बनाइए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पानी पूरी कहाँ अच्छी मिलती है उसका आप वीडियो बनाइए, मुंबई में कहाँ मिलती है अच्छी, आप उस स्पॉट पर जाकर उसका खाते हुए वीडियो बनाइए और उसके रिव्यू दीजिए कि भाई ये इसके अंदर लेटेस्ट अच्छा है, लेटेस्ट अच्छा है, यहाँ पे राइटर्स और उसको आप शेयर कीजिए। इस तरह के भी जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस आजकल चल रहे हैं, ब्लॉगिंग बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है। इसमें अगर आप कॉम्पिटिशन देखोगे तो 34% का इसमें आपको रैंकिंग मिलता है, मतलब 34% के चांसेस है कि आपका वीडियो जो है वो रैंक करेगा के चैनल्स के अदर वीडियोज में। और इसके जो सर्चेस हैं ये अराउंड 70 लाख से 80 लाख के सर्चेस होते हैं महीने के यूट्यूब पर। इसके बाद जो छठा टॉपिक है हमारे, इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है वहाँ पे आपको व्यूज भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटिशन वहीं पर ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस होता है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब में,
तो जो छठा टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में कि भी आप आपके सब्सक्राइबर को या आपके व्यूअर्स को बताएं कि भाई हाउ टू ड्रेस, हाउ टू लुक वेल, आपको ग्रूमिंग कैसे, मतलब दाढ़ी कैसे रखना है, पूंछ कैसे रखना है, आपको ड्रेस कैसे करना है, फॉर्मल कैजुअल, शूज कैसे पहनना है, सॉक्स कैसे पहनना है, बेल्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे आप ऑप्शन दे सकते हो आपके सब्सक्राइबर को। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कैटेगरी और ट्रेंडिंग कैटेगरी है क्योंकि ड्रेसिंग सेंस चेंज होते रहते हैं, स्टाइल चेंज होते रहते हैं, तो हर दिन कुछ नया आता है, तो आप आपके सब्सक्राइबर को उसको अच्छे से बता सकते हो कि आपको कैसे ड्रेसिंग करना है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपेंस रहेगा कि भी आपको ड्रेसिंग के लिए कुछ नए स्टाइल्स के आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, बट ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग कैटेगरी है, इसमें कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपका शौक है ड्रेसिंग सेंस का, आप एडवाइस अच्छी करते हो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको इस कैटेगरी में अपना चैनल बनाना चाहिए। डेफिनेटली एक दिन आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से आप उसका बिजनेस कर पाएंगे। और इसका जो कॉम्पिटिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अप टू 12% के आसपास आपको रैंकिंग मिलता है, मतलब 12% का चांसेस है कि आपका चैनल रैंक करेगा, बट आप अगर पर्सनली उसको प्रमोट करो तो आप एक एज लेवल को टारगेट करके या एक पर्टिकुलर आपकी सिटी को टारगेट करके इसे प्रमोट कर सकते हो अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के, तो आप ऑटोमेटिकली आपके चैनल को बूस्ट कर पाओगे अगर अच्छा आप स्ट्रैटेजी लेकर काम करते हो, अच्छा रिसर्च करके काम करते हो यूट्यूब के ऊपर। और इसके जो मंथली सर्चेस है वो मैं आपको बता दूं, 3 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास इसके सर्चेस है, मतलब 3 लाख to 1.5 करोड़ पर मंथ यूट्यूब पर सर्च होता है कि भाई ड्रेस कैसे किया जाए, हाउ टू ग्रूम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लोग ये सर्च करते हैं। इसके बाद जो 7वां नंबर मैंने दिया है वो दिया है मेकअप को, जो कि एक लेडीज का कैटेगरी है जिसमें फीमेल्स और लेडीज इस कैटेगरी में अच्छे से काम कर सकते हैं, आप घर से भी कर सकते हो या आपका बुटीक है या आपका पार्लर है तो आप वहां से भी कर सकते हो। आपके सब्सक्राइबर को कैसे मेकअप किया जाए, सीजनल मेकअप कैसे किया जाता है, या फास्ट मेकअप जैसे 5 मिनट वाला मेकअप या 10 मिनट वाला मेकअप कैसे किया जाता है, इस तरह के बहुत से टॉपिक यूट्यूब पर सर्च होते हैं कि भाई जल्दी मेकअप कैसे किया जाए, किसी को जल्दी में कहीं जाना है पार्टी के लिए, रेडी होते, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग कैटेगरी है, इस पर भी बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिलता है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, 10 से 11% का इसमें आपको रैंक मिलता है, 10 से 11% चांसेस है कि आपका वीडियो रैंक करेगा टॉप वीडियोज में या आपके एरिया में, आपको डिसाइड कर सकते हैं कैसे आपको करवाना है। आप स्टार्ट कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए, जितना आपको लोकल में रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको पर भी मिलेगा, आप अपने लोकल बिजनेस को भी कंटिन्यू रखिए, साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम आप डिजिटल को भी देते हैं, डिजिटल से आपको एक प्रॉफिट का बेनिफिट होगा, तो उससे आपको शॉर्ट टर्म या जो भी आपका करंट में इनकम चलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके जो मंथली सर्चेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 38 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में इसके सर्चेस है, मतलब इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो जितने इसके अप्रोक्सीमेट सर्चेस हैं वो 38,000 लोग आपके मंथली सर्च करते हैं आपके टॉपिक्स में, एक अच्छा ऑडियंस है यहाँ पर, आपका इन्फॉर्मेशन शेयर और आपके बिजनेस को नया ग्रोथ मिले। 8वां जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है आज के डेट में, और इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इसमें ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, आपको और इस चीज के सर्च करने वाले भी यूजर्स भी इतने ज्यादा है, तो ये जो टॉपिक है ये कैटेगरी है गेम का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो गेम की कैटेगरी में आपको 9% से 10% का रैंकिंग का चांसेस है, क्योंकि आपको आपका वीडियो रैंक करेगा, अगर आपका वीडियो अच्छा रहा, कंटेंट अच्छे रहे तो हो सकता है वो इससे ज्यादा भी जाए। तो गेमिंग में क्या करना है कि भाई आपको गेमिंग टिप्स बताना है, जो लोग गेम के शौकीन है या जिसको गेम खेलना अच्छा लगता है, टीवी गेम जैसे कंसोल गेमिंग खेलना अच्छा लगता है या मोबाइल पर हाई एंड गेमिंग करते हैं, उसके टिप्स आप बता सकते हो, अगर हाई एंड पीसी आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, या आपको मोबाइल पर अगर अच्छी गेमिंग करना है, हाई एंड गेमिंग करना है, तो मोबाइल आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई गेम पर्टिकुलरली कोई गेम का आपको शौक है, जैसे कोई पबजी का एग्जाम्पल ले लो, या फिर कोई काउंटर स्ट्राइक ले लो, कोई और भी दूसरा गेम ले लो जिस गेम के आप एक्सपर्ट हो, तो आप उस गेम के चीट्स बता सकते हो, आप उस गेम के टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो, आपको उसमें कैसे खेलना है, कैसे अचीवमेंट्स करना है, वो सारी चीजें आप अपने सब्सक्राइबर को बता सकते हो। ये कैटेगरी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी है, इसके 3 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के सर्चेस है, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी है, इसमें आप अपलोड कर सकते हो और इस कैटेगरी में आप अपना चैनल बना सकते हो। 9 नंबर का जो कैटेगरी है वो है जॉब एंड प्लेसमेंट का, आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये कैटेगरी इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी है, तो इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको नियर अबाउट 7% का रैंकिंग मिलता है, मतलब 7% के चांसेस है कि आपको वीडियो रैंक करेगा, या आपका अच्छा डेवलपमेंट रहा वीडियोज़ के ऊपर तो आप उससे ज़्यादा भी रैंक करवा सकते हो आपके वीडियो, तो
जॉब और प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि जो आपके लोकल न्यूज़पेपर्स आते हैं या फिर आपका अगर जॉब के बारे में आपको अच्छा पता है, आप एक एचआर फील्ड से हो या आपको जॉब प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है, तो आप आपके एरिया की जॉब सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन आप वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर सकते हो, या उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, जॉब के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, जॉब के इंटरव्यूज कैसे होते हैं, इन सब चीजों का आप वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, जिससे आपके सब्सक्राइबर को आपके व्यूअर्स को हेल्प होगी और डेफिनेटली इस कैटेगरी में आपका चैनल एक अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा और आपको उससे बेनिफिट होगा, आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो इस कैटेगरी के अंदर के भी जो सर्चेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 70 लाख के आसपास नियर अबाउट इसकी मंथली सर्चेस है जॉब एंड प्लेसमेंट के लिए। तो ये भी एक बहुत ही हाई लेवल कैटेगरी है जिसके अंदर ज्यादा सर्चेस आपको मिलते हैं। और जो 10 नंबर की कैटेगरी है जिसमें आप अपना चैनल बना सकते हो, सबके लिए है। आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का बिजनेस हो, आप उसका चैनल बना सकते हो। उसके लिए कोई कैटेगरी मैंने डिफाइन नहीं की, बिकॉज हर कोई अपने बिजनेस को डिजिटल कर सकता है। आपका कोई भी प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट की फोटो शूट कीजिए, वीडियो शूट कीजिए और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर को दीजिए। भले ही वो आपके पास से प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, आप उसे इन्फॉर्मेशन दीजिए जो एक दिन उसकी वजह से आपको फायदा होगा, आपके बिजनेस को फायदा होगा। कि भाई आपका अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप फर्नीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि फर्नीचर को पहचाना कैसे जाता है, कि फर्नीचर कौन सी क्वालिटी का है, ओरिजिनल लकड़ी का है या फिर प्लाईवुड का है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉलिश कैसे आइडेंटिफाई की जाती है और किस तरह का फर्नीचर लेना चाहिए, किस कलर का लेना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर बेडरूम के लिए होना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर ड्राइंग रूम के लिए होना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर जो है तो आपके हॉल के लिए होना चाहिए, आप उसको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उसकी प्राइसिंग बताइए, अगर आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे सकते हो तो डेफिनेटली दीजिए और उसे आपके सिटी में आपके कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। जब कोई भी आपके कंटेंट को देखेगा वीडियो पर, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प आगे भी लेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आपसे आगे चलकर प्रोडक्ट भी खरीदेगा। ये डेफिनेटली बात है कि सोशल मीडिया का फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, इमीडिएटली नहीं होता। तो ये कैटेगरी में आप सब जितने भी बिजनेस है सब आ जाते हैं। आपको अल्टीमेटली वही करना है जो आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को मार्केट करना है, आपके नॉलेज के जरिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, वो एक्सपीरियंस आपका शेयर होते जाएगा। इस तरीके से आपका एक सब्सक्राइबर अच्छा खासा बड़ा रेडियस बनेगा जिसका आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 टॉपिक जिस पर आप यूट्यूब चैनल्स अपने बना सकते हो और आपके बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकते हो और उसका यूट्यूब चैनल भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, उसे आपके एडसेंस अकाउंट से कैसे लिंक करना है, उसके लिए आप लिंक पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैनल कैसे बनाना है, एडसेंस से कैसे लिंक करना है। पर मैं आपको फाइनली एक आखिरी इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता था, इसमें अगर आप चैनल आपने बना लिया है तो आप उस यूट्यूब के वीडियोस को आपके व्हाट्सएप पर शेयर करें, आपके फेसबुक अकाउंट पर शेयर करें, आपके फेसबुक पर जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आप उसे शेयर करें। तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइबर बेस जल्दी मिल जाएगा और आपके चैनल में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज ही आपका यूट्यूब चैनल बना लीजिए, इसमें बिल्कुल भी देर मत कीजिए और आपको हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आगे मिलती है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन पर क्लिक करें, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं, उस पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।